नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। 51 आप देख रहे हैं, पूछा गया है कि पर्वत समुद्र अगम बीच बीहड़ घन भंडाक किम कह भेंटो कंत तुम ना मोहि पावन पाक। यह कवितांश जयसी कृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड में किस मास के वर्णन के अंत में आया है? तो यहाँ पर पूरा क्लियर है कि नागमती वियोग खंड से ये प्रश्न बनाया गया है। पूछा गया है कि ये जो कवितांश है ये किस महीने के वर्णन के अंत में आया हुआ है? तो सही जवाब है ऑप्शन पहला, सावन महीने के आखिर में इसको दिया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने बहुत पहले से अपने चैनल पर यूनिट 5 हिंदी कविता को लेकर लगातार वीडियो बनाता रहा, कबीर से लेकर जो एकदम आखिरी कवि है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, सबकी कविताओं पर हमने चर्चा की। जो गंभीर विद्यार्थी थे उन्होंने इस वीडियो को देखते रहे वो, लेकिन कई बार लोगों को लगा कि हम केवल हिंदी कविता पर चर्चा कर रहे हैं, बोरियत सी महसूस हो रही है, तो हमने ट्रैक को चेंज भी कर दिया। लेकिन आप देखिए कि इस बार के क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर प्रश्न कविताओं से रिलेटेड है। तो पहला जो यहाँ पर प्रश्न है, यानी 51वां प्रश्न है, जिसका सही जवाब है सावन। सरोज स्मृति कविता के इन पंक्तियों को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो 5 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सबसे पहले है वो जो इसमें है कविता, आप देखेंगे सबसे पहले नंबर पे 54 का सबसे पहले नंबर पे है तेरा वह जीवन सिंधु तरण, पहले नंबर पे हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है मैं कवि हूं प्रकाश पाया है प्रकाश, दूसरे नंबर पर हो गया। तीसरे नंबर पर है धन्य मैं पिता निरर्थक, ठीक है। इसके बाद हो गया चौथे नंबर पर आपका और भी फलित होगी वह छवि। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि 5वें नंबर पर है दुख ही जीवन की कथा रही, ठीक। तो इस तरीके से जो इसका यहां पर ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन 3रा है, ठीक है। पहले नंबर पर ई हो गया, दूसरे नंबर पर ए, तीसरे नंबर पे डी, चौथे नंबर पे बी और 5वें नंबर पर सी, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये इसका क्रम है, ठीक। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है असाध्य वीड़ा पर है। तो मुझे बार बार कहने की जरूरत ही नहीं है, हिंदी कविता पर हमने काफी मेहनत की हुई थी इसी दिन के लिए कि अगर आप सीरियसली देखेंगे तो बढ़त बना लेंगे। लेकिन 0 रेटिंग का मैं टीचर हूं, मेरी कई बार लोगों को आवाज भी समझ में नहीं आती है, दिमाग खराब हो जाता है, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मेरी जो दूरदर्शिता उसको ध्यान में रखिए, भले कई संसाधनों की कमी है लेकिन जज्बा में कमी नहीं है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो आप बढ़त बना लेंगे। देखिए असाध्य बीड़ा पर हमने बहुत ही विस्तार से इसकी व्याख्या की थी और बताया भी था, लेकिन यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा मोड़ ले लिया है इसलिए कठिन हो गया, ये आसान नहीं था। यहां पर पूछा गया कि प्रियंबत के नीरव एकालाप में आए संबोधनों को पहले से बाद के क्रम में हमें लगाना है, ठीक है। अब एक पद आप देखेंगे जिसमें प्रियंबत बीड़ा उड़ा को रखने के बाद अपने से एकालाप करता है, जैसे मैं खुद कई बार करता हूं आप लोगों के साथ, तो प्रियंबत एकालाप करते समय कुछ संबोधन करता है, उसी संबोधनों को ध्यान में रखते हुए यहां पर सवाल बन गया है। तो कौन सा संबोधन पहले है, ठीक है। पहले नंबर पर है ओ विशाल तरु, ठीक है। इसके बाद है ओ दीर्घकाय, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है ओ स्वर संभार, ठीक है। चौथे नंबर पे है ओ रस प्लावन और 5वें नंबर पे है आपका ओ शरण्य। तो आप देख रहे हैं इसका जो कूट बन रहा है वो बन रहा है डी ए बी ई सी, डी ए बी ई सी। आप देखते हैं कि किसमें है डी ए बी ई सी, सही जवाब हो गया ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है फिर विकल है प्राण मेरे, यह गीत महादेवी वर्मा की किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ था? तो यहां पर सही जवाब है इसका सांध्य गीत, ठीक, सही जवाब है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है कि भूल गलती, देखिए इस कविता का भी पाठ हमने किया था, इसमें कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में आई इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में बताना है, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो इसका यहां पर है, पहले नंबर पर है पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, फिर
दूसरे नंबर पर है, जस्ट उसके नीचे की लाइन है, समूचे जिस्म पर लत्तर, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर है, वह कैद कर लाया गया ईमान। फिर चौथे नंबर पर है, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता। और पांचवें नंबर पर है, नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त। तो इस तरीके इसका जो सही कूट हो रहा है, पहला ऑप्शन है सी ए ई डी बी, ठीक है। तो आपने कि सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है? सतपुड़ा के जंगल कविता को भी मैंने पढ़ाया था। पिछली बार पूछा गया था किस जनजाति का इसमें उल्लेख किया गया है, इस बार पेपर बनाने वाले ने सतपुड़ा कविता को नहीं छोड़ा, पूछ दिया कि वाद्य यंत्र कौन सा है। तो सही जवाब है ढोल का, इसमें जिक्र किया गया, ठीक। अगला प्रश्न है कि बिना दुख के सब निस्तार, बिना आंसू के जीवन भार, दिन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार, कवितांश किस कवि द्वारा रचित है? सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत, और ये पल्लव नामक कविता से लिया गया है। और आप जानते हैं कि पल्लव कविता को पढ़ाते पढ़ाते मैंने पूरा पसीना छोड़ दिया था, और क्योंकि लंबी कविता है लोग बोर होने लगते हैं, लेकिन सवाल देखिए यहां से पूछ लिया गया। सही जवाब हमें। अगला प्रश्न है, अकाल और उसके बाद कविता में आए जीवों या वस्तुओं को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये कविता कुल 8 पंक्तियों की है, और उसमें जीव जंतुओं का उल्लेख किया गया है, और इस कविता की व्याख्या हमने बड़े ही मनोयोग से अपने चैनल पर की थी। जो भी बच्चे जुड़े होंगे, पढ़े होंगे, तुरंत इसका सही जवाब बता देंगे। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले नंबर पर है चक्की, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर कानी कुतिया का जिक्र किया गया है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर है छिपकली, ठीक है। फिर चौथे नंबर पर है चूहा, और पांचवें नंबर पे है कौवे, कौवे ने खुजलाई पांखें, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन दूसरा है कि डी ए ई सी बी, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कूट जो बन रहा है क्रम के अनुसार डी ए ई सी बी, ठीक है। अगला प्रश्न है जो कि हमने प्रिय प्रवास की भूमिका बताते समय और उसके सार संक्षेप में एक वीडियो हमने बनाई थी बहुत पहले, उसमें बताया गया था कि हरिऔध जी द्वारा लिखित भूमिका के अनुसार हरिऔध जी प्रिय प्रवास का नाम क्या रखना चाहते थे? ब्रजांगना विलाप नाम रखना चाहते थे। सही जवाब है ऑप्शन चौथा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं और हमें मिलाना है, और ये पंक्तियां एक कवि के ऊपर आधारित हैं, वो है धूमिल। धूमिल की कविताएं आपकी सिलेबस में लगी हुई हैं, और उन्हीं कविताओं में से इस पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। जो भी कैंसलेशन हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन अगर आगे एग्जाम होता है और वो लोग भी प्रतिज्ञा करते हैं कि अब इस तरीके की गलती नहीं होगी, तो एक चीज तो इन प्रश्नों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पेपर बनाने वाले के मन में क्या चल रहा था, किस पैटर्न को वो अपनाया हुआ था। एक चीज ध्यान में रखिए, आगे का जो भी एग्जाम होने वाला है वो बहुत ही इससे भी कठिन होने वाला है। जब जब पेपर कैंसिल हुए हैं और दोबारा हुए हैं, वो पेपर हमेशा कठिन होते रहे हैं। इस पर मैं चर्चा करूंगा, मैंने सोचा है, विचार किया है, क्योंकि मैं इस समय घर पे आया हुआ हूँ तो समय नहीं मिल पाया, इसलिए नहीं बना पाया, तो बनाऊंगा जल्दी ही, क्योंकि निजी अनुभूतियां भी हैं और आप प्रतियोगी छात्र रहे हैं तो बिल्कुल हमारी बातों से आप सहमत रहेंगे। देखिए यहाँ पर पंक्तियां दी गई थी कि उस मुहारे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, मेरे देश की संसद मौन है, मेरे लिए हर आदमी एक जुड़ी जूता है। तो ये सब पंक्तियां दी गई, इनके आधार पर हमें बताना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा इसमें, ठीक। तो आप देखेंगे कि जो ए ऑप्शन है इसका है अकाल दर्शन से इसको लिया गया, ठीक। और मेरे देश की संसद मौन है, जैसा कि मैंने इस कविता की व्याख्या इत्यादि भी किया हुआ था, रोटी और संसद सी का दूसरा हो गया यहाँ पर। इसके बाद डी का आप देख रहे हैं कि मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो कि सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, मोचीराम इस बात को कह रहा है। और बी का ऑप्शन हो गया यहाँ पर नक्सल बाड़ी। तो इस तरीके से सही जवाब जो इसका हो रहा है, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, ठीक। तो इस तरीके से इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है। आमिर खुसरो की रचित पहेलियां दी गई हैं और उसके उत्तर है, ठीक है। और हमें मिलान करना कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा। आना जाना उसका भाए, जिस घर जाए लकड़ी खाए। तो इसका यहाँ पर सही जवाब क्या हो रहा है? इसका सही जवाब है आरी, ठीक। यानी कि ए का 4 हो गया, अरस तो इसका बुझेगा, अरस तो इसका बुझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा।
इसका सही जवाब यहाँ पर क्या हो गया, वो हो गया दर्पण, जो कि शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ से भी कुछ यहाँ पर पहेलियां ली गई। एक राजा की अनोखी रानी, नीचे से वह पीवे पानी, तो इसका सही जवाब यहाँ पर क्या हो गया, इसका सही जवाब है दिए की बत्ती। और मिला रहे तो नर रहे, अलग हो तो नार, सोने का सा रंग है कोई चतुरा करे विचार, ये हो गया चना। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन पहला यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर आप कुट को मिला भी लें तो जल्दी से और समझ में आ जाएगा। ठीक, बी का एक हो गया, ए का चार हो गया, सी का हो गया आपका तीन जो कि इसके जस्ट सामने का ही था, और चार का डी का हो गया आपका दो। तो 4-1-3-2 यहाँ पर आप देख रहे हैं सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, भारत भारती के वर्तमान खंड के उपखंडों के शीर्षक है। ये प्रश्न पूछा गया था और हमने भारत भारती पर व्याख्या तो पूरी नहीं कराई थी, लेकिन कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं शीर्षक को ध्यान में रखते हुए हमने जरूर बताया हुआ था। ठीक है, तो भारत भारती के वर्तमान खंड, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत भारती में अतीत खंड है, वर्तमान खंड है और भविष्य खंड, तीन खंड उसमें दिखाई पड़ते हैं। तो वर्तमान खंडों के उप शीर्षक कौन कौन से हैं, तो इसमें पहले नंबर पर है कृषि और कृषक, ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे दूसरे नंबर पर है रईसों के सपूत, तीसरे नंबर पर है धर्म की दशा, चौथे नंबर पर है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए केवल ये तीनों ही आपको मिल रहे हैं। ठीक, बी सी ई। अच्छा, एक चीज और मैं देखूंगा पेपर कैंसिल होने का कारण रहा है कि जो ये क्रोनोलॉजी है यानी जो पूट का यहाँ पर है, कई प्रश्नों के उत्तर में आप देख रहे हैं कि बी सी ई है। ठीक है, तो इसको लेकर भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अगर किसी को भी बोल दिया। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास रचित रामचरितमानस में राम राज्य संबंधी वर्णन की पंक्तियां हैं, अब हमें बताना कि कौन सी पंक्ति है। ठीक, तो नहीं भय शोक न रोग, ये भी पंक्ति है राम राज्य के संबंध में। फिर है सब गुणन्य, यहाँ पर है सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, ये भी है सब उदार सब पर उपकारी, ये भी है, यानी ए सी ई जो ऑप्शन बन रहा है वो यहाँ पर सही है, सही जवाब है ऑप्शन चौथा। और 26वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर यह प्रश्न सूची एक और सूची दो के मिलान पर आधारित है। सूची एक में भ्रमर गीत सार के पद की पंक्तियां दी गई हैं और वो पंक्तियां किन रागों में लिखी गई हैं उनका जिक्र किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है, पहले सीधे सीधे रचनाओं से पंक्तियां पूछ ली जाती थी, लेकिन अब थोड़ा सा गहराई से पढ़ने की जरूरत है और वो पंक्तियां विभिन्न पात्रों द्वारा कही गई हैं या फिर किन रागों में है उन पर आधारित अब सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर 4 पंक्तियां दी गई हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो जोग सिखावन पांडे, हमारे हरिहारन की लकड़ी, हम तो कान केड़ी की भूखी। राग दिए गए हैं राग नट, राग काफी, राग धनाश्री, राग सारंग। इसी तरीके से हमने देखा कि अंधेर नगरी में भी राग और भारत दुर्दशा में भी कई जगह पर राग आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ पर भी भ्रमर गीत सार में पूछे गए। अब इन पंक्तियों को हमें मिलाना है कि कौन सी पंक्ति किस राग पर आधारित है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, ये है आपकी राग काफी पर आधारित, यानी ए का दो हो गया। आयो जोग सिखावन पांडे, ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर है वो राग नट पर आधारित है, यानी कि बी का एक हो गया। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, ये राग हो गई सारंग, यानी कि सी का चार हो गया। हम तो कान केल की भूखी, इसका सही जवाब हो गया राग धनाश्री, यानी कि डी का तीन। अब हम इसमें मिलान करते हैं कि ए का दो, बी का एक, सी का चार और डी का तीन, यानी कि इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। आगे के लिए इन पंक्तियों को ध्यान में रखिए और इन रागों को भी ध्यान में रखिए, हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए। पंक्तियां यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो जोग सिखावन पांडे, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, ये तीनों पंक्तियां काफी महत्वपूर्ण रही हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो ये पंक्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है, कामायनी के लज्जा सर्ग की पंक्तियां हैं, एक सर्ग पर आधारित यहाँ पर पंक्तियां पूछी गई हैं, वो भी है लज्जा। ठीक है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं तो लज्जा किस नंबर पर है। अब पंक्तियों की बात करें तो 5 पंक्तियां दी गई, उसमें से 3 पंक्तियों को हमें यहाँ पर चुनना है कि आखिरकार वो कौन कौन सी पंक्तियां हैं। तो सही जवाब है
मैं एक पकड़ हूं जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो, ये लज्जा से ली गई है। इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है, ये भी लज्जा से है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, ये भी लज्जा से ली गई। यानी कि इसका जो कूट बन रहा है यहाँ पर सी डी और ई बन रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। देखिए नीचे की जो पंक्ति है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, जो कि लज्जा सर्ग से ली गई है। ऐसा नहीं है कि श्रद्धा शब्द आया हुआ है तो ये श्रद्धा सर्ग से है, ठीक है। कई बार समझने में यहाँ पर गलती हो जाती है, लेकिन इसका संबंध किससे है, लज्जा से। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा सी डी और ई। तो आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।